हमारे बीच, और अभी आपके बीच अगला नेक्स्ट प्रोग्राम जो है तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी, मैं तुझको कार समझ बैठा। तू
मैं तो समझ रहा था कि तू निर्मल ने झट पावन गंगा है, पर मेरे घर को जिसने फूका तू ही भाई गंगा है। कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, खाली ठड़ुआ पाजी नालायक मुझे बताती रहती है। चिन्नू मिन्नू रिट्टू पिट्टू का तूने मुझे प्रसाद दिया, चिन्नू मिन्नू रिट्टू पिट्टू का तूने मुझे प्रसाद दिया, बच्चों की स्कूलवारी को तूने पूरा खा दिया। बच्चे जब से देखे हमने दिन में तारे दिख गए, बच्चे जब से देखे हमने दिन में तारे दिख गए, हम गोद बनाना नाक पोछना और सुनाना सीखते। तेरी माँ कहती थी कि तू मेरे जड़ों की दासी है, तेरी माँ कहती थी कि तू मेरे जड़ों की दासी है, पर मुझको तो अब लगता है कि तू मेरे प्राणों की प्यासी है। तुमने मेरे जीवन में आकर डाले जितने चमत्कार, तुमने मेरे जीवन में आकर डाले जितने चमत्कार, फिर थप्पड़ जड़ने काली माँ मेरे जड़ों में नमस्कार। भाइयों मैं ये कविता तभी तो मैं ये कविता भी ना कह पाता। धन्यवाद भाइयों। 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक लुगाई अपने पति से एक बार ये जरूर पूछती है कि और खाने में क्या बना है, तो तुरई बना है, क्या चुन्नू को पसंद नहीं है, तीसरी बार कहता है अच्छा होगा तेरी भिंडी बना है, क्या तुम बीमारों जैसी सब्जी खाते रहते हो, हाथ में पति हाथ जोड़ कर कहता है हे भगवती जो तेरा मन करे तुम वो बना, यानी बनाने उसे अपनी मर्जी की है, लेकिन 24 घंटे में पति की बेइज्जती का विचक्षण शिविर कराती है। तो मैं शरीर लुभाती है इसे अक्सर वो गलियां में कानों की,
बहक जाते कदम इसके मगर फिर भी न मानी है, बहक जाते कदम इसके मगर फिर भी न मानी है। न समझती है किसी को कुछ घमंड में चूरी होकर, घमंड में चूरी होकर बेवजह पंगे ले लेना आदत इसकी पुरानी है। अरे कैसी जवानी है कि कर देती नादानी है, वो लगवाती है ये सदा अपने पाक दामन पर, मिटाए भी न मिटता जो बुरी सोबत की निशानी है। अरे कैसी जवानी है कि कर देती नादानी है, अरे बेकार विश्व को यूं ही बर्बाद क्यों करते, अरे बेकार में इसको यूं ही बर्बाद क्यों करते, और वतन के काम ना आए वो जवानी वो बेमानी है। अरे कैसी जवानी है कि कर देती नादानी है, और संभल कर चल नहीं पाती अजब इसकी कहानी है। बहुत सुंदर। सही मांग रहा हूँ कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रहा हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रहा हूँ कि किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है, आप में काव्य सुनने की अलग जिसने जगह डाली, विधाता ने मुझी को काव्य लिखने की सौगात दे दी है। बहुत सुंदर। कुछ हास के मुक्त छंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि एक दिन गए हम जूते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे जूते दिखलाइए, क्या हुआ जब जूते लेने गए हम तो सुनेगा। कि एक दिन गए हम जूते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे जूते दिखलाइए, और इनमें से कौन जूता चलेगा 50 सालों, यह सारी खूबियां भी हमें बतलाइए। तो मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, इनमें से कोई जूता आप लेके जाइए, हर एक जूता पूरे चलेगा 50 सालों, बस इन्हें घर के शोपीस में सजाइए, बस इन्हें घर के शोपीस में सजाइए। और मैं किराए पर रहता हूँ यहाँ पर, एक छोटे से बाद वो मालिक मकान वाला, हाउस रेंट आप मेरा जल्दी से चुकाइए, जितनी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। बढ़िया सा ऑफर देख बोला वे किराएदार, किराएदार का क्लासिकल जवाब सुनना आप, तो बढ़िया सा ऑफर देख बोला वे किराएदार, 16 2 8 आप मुझे ना पढ़ाइए, और ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी हम भूले आधी आप भूल जाइए, भूले आधी आप भूल जाइए। और दोस्तों यहाँ पे युवा वर्ग बैठा हुआ है, तो आप सब युवा वर्ग की ओर से अपने आप को आपका वकील मुकर्रर करते हुए उस मोहल्ले के खिलाफ 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ जिसका नेतृत्व तो मल्लिका शहर है। कि पुत्र दुशासन तू बंबई जा, और जाकर किसी नाइट क्लब से किसी द्रौपदी का वस्त्र न करके ला, तो दुशासन भी माथा ठोक लेगा, खींचे क्या है ही नहीं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि चीर खींचने को, कि चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया, तो आधुनिक नारी देखो मन पछताएगा, कि चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया, तो आधुनिक नारी देखो मन पछताएगा, और नारी ने जो वस्त्र खुद फैशन में दिए फेंको। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कवि सम्मेलन के समापन में मैं अंतिम कवि को बुलाता हूँ, वीर रस के कवि, और आज के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक सैनिक की जो भावनाएं हैं, जब वो उसे लगता है कि हाँ मुझे अपने देश के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी, तो वो क्या सोचता है वो बताना चाहता हूँ। कि सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के वो कितने बीजी हो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, और श्रीहरी उठी हवाएं उदासी सी छा गई, और तिरंगे पे रखा खत उसकी मां।
दूंगा। रोना नहीं है और अपनी माता के लिए क्या लिखता है बताऊंगा कि मुझको याद आ रहा है तेरी उंगली पकड़ना, कांधे पे बिठाना मैया, बाहों में जकड़ना और पगडंडियों पे खेत की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर फिर सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने कुछ बाकी कुछ और हो गया, और मुझसा न तेरे घर में वो कसम है माँ मेरी रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी रोना नहीं है। और सरकार जब एक सैनिक शहीद हो जाता है तो अपनी क्या फॉर्मेलिटी निभाती है, निभाती है, उसको बताना चाहूंगा कि सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौहरा बनाएगी और स्कूलों के वो नाम मेरे नाम रखेगी, अनमोल शहादत के वो कुछ दाम रखेगी, पर दलालों की दलाली पे तू थूक दे नमा, बेटे की मौत की कोई कीमत न ले नमा, तू भूखे भले मखमल पे तुझे सोना नहीं है और तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, और तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। और जब एक शहीद की बात चल रही है, एक शहीद अपने देश के लिए इतना कुछ देता है, अपने प्राण निछावर कर देता है, तो हमारा भी इस देश के लिए कुछ फर्ज बनता है, वो बताना चाहूंगा कि आओ मिलकर सभी संकल्प ये करें, वीरों की शहादत को यूं बेकार ना करें, और सारे विश्व में अपना भारत सबसे महान हो, और सारे विश्व में स्वदेश का जयगान हो, और बड़ी मुश्किल से मिली ये आजादी इसे खोना नहीं है, और तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। और यदि आपकी ये पंक्ति मेरी अच्छी लगे तो मेरी इस बात का ताली बजाकर अपनी सहमति देना। कुछ काम ये करे, वीरों की शहादत को बेकार ना करे, और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है, और स्वदेश के लिए कुछ करके दिखाना है, और इतना कुछ खो चुके अब कुछ खोना नहीं है, और तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी। सिंह जी को पुरस्कृत करते हुए जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा हिंदुस्तान से श्री अंकित जी।